वेलकम टू क्रिकेट व्यू गाइस। और मोटिवेशनल क्रिकेट कोचिंग के तहत आज कारवा पहुंचा है पालम क्रिकेट ग्राउंड पर। क्या खास है आज के इस एपिसोड में और कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये लाइव शो है और जितने भी यंगस्टर्स इस खास शो के लिए वेट कर रहे थे, जहां पर भी हो हमारे इस चैनल से ट्यून कर रहे हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को आज ऐसे एक महान कोच से मिलाने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने देश के लिए तो अपनी सेवाएं दी हैं, साथ में क्रिकेट के लिए अपनी सेवाएं अभी भी दे रहे हैं और लगातार 10 साल से मुसलसल उनका यह प्रयास जारी है। और इन 10 सालों में उन्होंने कितने खिलाड़ी यहां से बनाए हैं और कितने बनने वाले हैं, इन सब के लिए हम आज बात करेंगे। दूसरी चीज़, जबकि मैं उनसे रूबरू कराऊं, उसके पहले दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सर्विसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे यंगस्टर्स ने पूछे थे, आज उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इट्स माई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो भी अभी सर आपको बताएंगे, उन सबको आप अच्छे से सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए आपको मैं रूबरू कराता हूँ उनसे, द कोच ऑफ सर्विसेज टीम मिस्टर राजू सिंह। प्लीज वेलकम टू आर चैनल सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि 2010 से लेकर 2019 तक का ये 10 साल का सफर आपका रहा है, और पहले तो आपको बधाइयाँ, एक दशक आपने इस पोस्ट पर रहते हुए बिताए हैं। और इन 10 सालों में सर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये थोड़ा सा पहले बताएं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और जैसे हर आदमी की ज़िंदगी में और क्रिकेट में उतार चढ़ाव आता था, इसमें भी आया। 2010 में मैं जब टीम टेक ओवर किया था सर्विसेज का, तो उस समय सिर्फ हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो मुझे लगा कि पार्टिसिपेट तो कितने साल से हो रहा है, अब थोड़ा सा कुछ चेंज लाना ज़रूरी है। तो हमने कोशिश किया और हमने ये इन्फोर्स किया कि अब हम कॉम्पीट करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट मिला हमको 2010 और 11 में, हमने अच्छा किया, क्वालिफाई नहीं किए, बट 2012 में हम लोग क्वालिफाई किए नॉकआउट में, सेमीफाइनल रेंज ऑफ सेमीफाइनल भी खेले। और 2013 में फिर हम लोग वनडे में पहली बार सर्विसेज के हिस्ट्री में विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट में क्वालिफाई किए, वो भी आपके कार्यकाल के दौरान। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तो निश्चित रूप से मनी मनी कंग्रेचुलेशन जी। कैसे एडजस्टमेंट करते हैं आप, सर्विस में भी हैं और आपको कोचिंग भी देखनी है, प्लेयर्स भी देखना है, मेहनत बहुत करनी है, तो इस पर थोड़ा सा कुछ बताएं, उसके बाद फिर हम दर्शकों के सवाल लेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरा पैसन था वही मेरा प्रोफेशन बन गया है, तो मेरे लिए चीज़ें डेफिनेटली ईजी हो गई है, और हमेशा एनर्जेटिक फील करता हूँ कि हाँ मैं काम करूँ और करूँ और करूँ। तो बच्चों के साथ काफ़ी समय गुजारने पड़ते हैं वेरियस स्किल्स पे, जो भी क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, और उस बीच में जो समय मिलता है परिवार को देते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं। गुड सर, कुछ हमारे यंगस्टर्स ने प्रश्न पूछा था कि अगर हमको सर्विसेज में रणजी ट्रॉफी खेलना है तो पहले क्राइटेरिया क्या हो, उसके लिए उनको करना क्या होगा, उनकी एजुकेशन, उनका एज, थोड़ा सा सर एक प्रोसेस बताएं कि अगर एक यंगस्टर उसको आर्मी ज्वाइन करके या सर्विसेज में आना है तो वो किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, एक थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। जी देखिए, सर्विसेज में खेलने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ है कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ये तीनों में एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। इन्हीं तीनों में जब आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो फिर हमारे जो इंटर सर्विसेज होती है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटर सर्विसेज खेलने के लिए आपके पास पे स्केल पे होना ज़रूरी है, और वहाँ से हम इंटर सर्विस खेलते हैं, फिर तभी आप सर्विसेज के लिए पिक हो सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। दूसरी बात है, तीनों में स्पोर्ट्स रिक्रूट चलते हैं, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी। नेवी मुंबई में सेंट्रलाइज है, आर्मी सिकंदराबाद में सेंट्रलाइज है, और एयरफोर्स पालम में दिल्ली में सेंट्रलाइज है। तो तीनों जो सिस्टम कंसर्न हैं, इनके हर साल वैकेंसीज निकलती है स्पोर्ट्स कोटा में, लेकिन तीनों के क्राइटेरिया अलग अलग हैं भर्ती होने के, तो वो बीच में जब भी उनकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से निकलते, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। बट जनरली क्या होता है, 19 से 21 साल के आप होने चाहिए, प्लस आपकी बोर्ड ट्रॉफी कोई ना कोई ज़रूर होनी चाहिए, और बोर्ड ट्रॉफी में अगर आप कहीं अच्छा परफॉर्मेंस किए हों तो आपको वेटेज मिलता है। तो यही तरीका है, और फिर जब फॉर्म निकलते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलता है, आप ज़रूर देखें और फिर भरें, और फिर जब ट्रायल्स होता है तो ट्रायल्स डेट पर आइए, और यहाँ पे अगर हमें आप अच्छे लगेंगे, आपका टैलेंट ठीक लगेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो आपको जॉब के लिए कंसीडर किया जाएगा। एक बार इसको मॉडिफाई कर देते हैं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में न्यूज़ आता है कि इस समय में, इस तारीख में सर्विसेज के लिए या आर्म फोर्सेज के लिए, आर्मी के लिए फॉर्म निकलते हैं, वो फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, और उसका एग्ज़ाम फिर होता होगा? नहीं, रिटर्न एग्ज़ाम कोई नहीं होता है, तीनों फौज में सिर्फ ट्रायल्स होते हैं आपके। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि हमने देखा कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं थोड़ा
पढ़ाई की तरफ कम ही ध्यान दे पाते हैं, तो रिटन टेस्ट उनका नहीं होता है, सिर्फ उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ अपने गेम पर फोकस करना है। तो गाइज आप समझ गए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखनी है, लगातार देखनी है कि कब फॉर्म निकल रहे हैं और उस फॉर्म को भरेंगे, प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे और ट्रायल पर फोकस करेंगे। एज का क्राइटेरिया सर ने बताया कि 18 साल तो बिल्कुल होनी चाहिए, 19 to 21 है ना? जी जी, इसमें एज आपका क्राइटेरिया होगा, यहाँ से आप उसको फिर पिक करेंगे। और अगर आप रणजी ट्रॉफी खेले होंगे तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है, ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप आर्मी से नहीं है, रणजी ट्रॉफी एक मानक है क्या सर, एक शर्त है कि अगर आप आर्मी में डायरेक्ट नहीं है लेकिन अगर आप सर्विसेज के लिए खेलना चाहते हो आपका रणजी ट्रॉफी में खेलना आवश्यक है या किसी बोर्ड के लिए खेलना आवश्यक है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रेफरेंस देते हैं जो खेला हुआ होता है। अच्छा अच्छा, हाँ उसको वेटेज मिलता है कि खेला हुआ है तो उसको हम श्योर वेटेज देते हैं, और जो एज एक्सटेंशन है वो हमें देने के लिए कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, ऐसे हम किसी की भी खेली हुई एज नहीं दे सकते हैं कि ये खेला हुआ है और हमारा टीम का रिक्वायरमेंट है, तो ही जो है वो एज की रिलैक्सेशन उसको मिल पाती है। ग्रेट। अच्छा, कुछ एक आधा सवाल अगर किसी के मन में कन्फ्यूज़न है, होता ही है, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा टैलेंट किसी अदर स्टेट्स में है, मान लीजिए हम एक पिक जम्मू कश्मीर अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं मसलन, वहाँ पर एक बहुत अच्छा टैलेंट अच्छा कर रहा है, बढ़िया खेल रहा है, लेकिन उसने आर्मी ज्वाइन नहीं किया, सर्विसेज के लिए नहीं गया, किसी आर्म फोर्स में उसने जॉब नहीं किया, तो फिर सर्विसेज उसको कैसे पिक करेंगे कि ये अच्छा टैलेंट है और इसको आगे बढ़ाना है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं? आपको तीनों में से किसी ना किसी सेना में जॉब होना ही चाहिए, तभी मैंडेटरी है, तभी मैं आप सर्विसेज के लिए खेल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि उनका भाई इंडियन आर्मी में है तो वो सर्विसेज की क्रिकेट टीम में अगर आना चाहता है तो उन्हें क्या करना होगा? शोएब पूछ रहे हैं उनका भाई इंडियन आर्मी में है, अगर सर्विसेज की टीम में उसको क्रिकेट खेलना है तो क्या करना होगा? उनको आर्मी की ट्रायल होती है सिकंदराबाद में, तो उनको उस ट्रायल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे उनके जो सेलेक्टर होते हैं पहले उनको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, तो वहाँ पिक होगा, वहाँ आर्मी में पिक होने के बाद फिर जो हमारा इंटर सर्विसेज है उसमें वो खेलेंगे, तो जाके वहाँ से फिर सर्विसेज के लिए खेल सकते हो। तो इसकी डिटेल्स सर कहाँ आती हैं कि कब ट्रायल होने हैं, ये कहाँ कैसे? ये तो सिकंदराबाद नोडल सेंटर है उनका, और उनको ये खुद पता करना पड़ेगा कि आर्मी की ट्रायल कब होती है। जनरली जो ट्रायल होती है वो मार्च से मई के बीच में ट्रायल हो जाती है डेज के लिए, और वन डे और T20 की जैसे BCCI की डेट निकलती है उसी हिसाब से उनका भी ट्रायल होता है। तो ऐसा कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है जहां पर बच्चे इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते? नहीं, वेबसाइट नहीं है, किसी न किसी आदमी वालों के थ्रू ही आपको पता चलेगा ये। इससे पहले कि कोई एज क्राइटेरिया पूछने की, कोई उम्र नहीं, अगर वो ऑलरेडी आर्मी में जॉब करते हैं तो कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आर्मी में आने के लिए वो क्राइटेरिया 21 साल वाला जरूर है जो आपने बताया, जो स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं उनके लिए क्राइटेरिया, जो ऑलरेडी आर्मी में है उनके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, एक जब तक की नेक्स्ट क्वेश्चन हम लें, ये बताएं सर कि IPL में सर्विसेज से अब तक कितने प्लेयर खेले हैं और इंडिया के लिए कितने प्लेयर खेले हैं अब तक सर्विसेज से? देखिए, भारत का पहला जो कप्तान थे वही मिस्टर कर्नल CK नायडू थे, उसके बाद एक हेमू अधिकारी थे वो भी यहीं से थे जी, दूसरा यशपाल सिंह थे वो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेले थे और कोची टस्कर से भी खेले थे, एक दीपक पुनिया थे वो मुंबई इंडियंस से खेले थे, और एक सौरभ कुमार थे वो हालांकि छोड़ गए, एयरफोर्स में थे छोड़ के चले गए, वो भी पुणे से टीम में थे हालांकि उन्होंने प्लेइंग 11 में नहीं जगह बना पाए। तो ये लोग हैं कुछ अभी भी सर्विसेज में, कुछ अच्छे बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे प्लेयर कहूँ मैं, एक तो रवि चौहान का नाम हम सुनते हैं, उन्होंने अभी रणजी ट्रॉफी में बढ़िया शतक जड़ा था जी, जी। तो मैच भी ड्रॉ कराया था, और रजत पालीवाल एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अच्छा किया था, दिवेश ने गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये कुछ अच्छे नाम हैं जो आगे जाकर रणजी ट्रॉफी से बढ़कर एक कदम आगे IPL या इंडिया खेल सकते हैं एज ए कोच, आप कैसे? जी, रजत पालीवाल हैं जो दो बार इंडिया ए का टूर कर चुके हैं ऑलरेडी, एक बार अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बेंगलोर में खेले थे और एक बार ऑस्ट्रेलिया इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया का भी टूर कर चुके हैं, और एक राहुल सिंह है वो भी एक इंडिया ए का टूर कर चुके हैं, तो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी, यहाँ से जोन भी खेले हैं लोग, बट वही है कि थोड़ा जब मेन चीज़ ये है कि जब हम क्वालिफाई करते हैं तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है लड़कों का पिक होने का। मेहनत सब जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो हर जगह है। सवाल आ रहा है चंदन का जी, स्पोर्ट्स कोटा में हाइट मैटर करती है क्या सर? पहली चीज़ तो आर्मी में हाइट का तो होता ही है, लेकिन फिर भी एक बार चंदन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, हाइट कोई बहुत ज़्यादा माने नहीं रखती, एक नॉर्मल सा हाइट है 155 सेंटीमीटर, वो मेरे ख्याल से
हर तकरीबन हर बंदे फुलफिल कर लेते हैं। इसको फुट और इंच में अगर डिवाइड करें, 5 फुट 3 इंच 4 इंच कैसे आएगा? हाँ, आप 5 फुट वही समझिए, 5 फुट 2-3 इंच होता है तो हमारे यहाँ भर्ती हो जाते हैं। तो 5 फुट 3 इंच है तो भर्ती हो जाते हैं। अगर फिर भी अगर उसके पास स्किल अच्छा है और वो अच्छा लेवल खेला हुआ है, परफॉर्म किया है, तो उसको मैंने लीवे मिलता है, लीवे मिलता है उसको। एक क्वेश्चन है टेक्निकल एनालिस्ट का, सर मुझे स्लो बॉल खेलने में दिक्कत आती है, ये कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। स्लो बॉल खेलने में दिक्कत आती है तो हमें क्या करना चाहिए? जी, स्लो बॉल खेलने के लिए आप सबसे पहले तो बॉल का वेट करें। आप इसका मीन्स कि आप राइट हैंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं बॉल पे, तेज़ बॉल को तेज़ मारे जाते हैं, बॉल को तेज, स्लो बॉल जब आता है तो बॉल को आप अपने पास अलाउ करें आने देने के लिए, और फिर आप मारें तो ज़्यादा अच्छा से आप इस शॉट को खेल सकते हैं। आई थिंक टेक्निकल एमएस को ये जवाब मिल गया होगा कि बॉल को पहले अपने पास आने दीजिए, जितना बॉडी के क्लोज आएगा उतना अच्छा जी, टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जल्दबाजी ना करें, और जैसे सर ने बताया कि राइट हैंड का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ताकत से मारने जा रहे हैं, तो उसको आप टाइमिंग से खेलें, बॉटम हैंड का ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है हरविंदर सिंह जी का, वो कह रहे हैं कि मैं चाइना मैन बॉलर हूँ, मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है, तो उनको क्या पहला कहाँ क्रिकेट खेलना चाहिए कि उनका रणजी ट्रॉफी में किसी भी स्टेट से नाम आ जाए? कहाँ के हैं ये हरविंदर सिंह जी? हैं इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ, फिर भी चाइना मैन मान लीजिए, आप पूछ सकते हो कि हरविंदर कहाँ से हो आपके? हाँ, हरविंदर आप कहाँ से हैं, अपने स्टेट का नाम बताएं प्लीज। लेकिन चाइना में और अपनी उम्र बताइए कितना? हाँ, उम्र भी बताएं और अपना स्टेट बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके इस प्रश्न पर कुछ अच्छा सा हम सर से पूछेंगे, अच्छा जवाब आपको मिलेगा। सर चाइना मैन पे ऊपर बात कर लेते हैं, अभी चाइना मैन हमारे पास कुलदीप यादव, कुलदीप यादव है, और इसके पहले चाइना मैन शायद हमारे उसमें नहीं रहे आए हैं, तो फिर उनको इतना होंगे बहुत सारे लेकिन हमने देखा नहीं। लेकिन एक चीज़ ये बताएं सर कि चाइना मैन ये एक नेचुरली गुण है या फिर प्रैक्टिस के थ्रू उसको हम बनाते हैं, ये क्या? नहीं, ये नेचुरल चीज़ है और इसको हम ग्रूम करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रूम नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि रॉन्ग वन होता है, समझे ना, और ये नेचुरली आता है, इसको सिखाया नहीं जा सकता है। okay. और ना ये जैसे रॉन्ग फुटर होता है वो सिखाया नहीं जा सकता है, बट अगर वो उस चीज़ से एक्यूरेट है, अगर स्पिनर है तो ऑब्वियसली उसके पास अगर स्पिन बाउंस और एक्यूरेसी उसकी है तो हम उसको छोड़ देते हैं और ग्रूम होने देते हैं, तभी कुलदीप यादव बने हैं। जब तक उनका जवाब नहीं आ रहा है, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूँगा कि बेसिक एक जो स्पिनर है वो चाइना में नहीं है, नहीं, ठीक है, और एक एक सिंपली ऑब्रिक ले लें और एक चाइना मैन है, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है कि किसकी ज़्यादा विकेट लेने की संभावना होती है? देखिए, जो चाइना मैन होता है 15 साल दिल्ली 15 जो चाइना मैन होता है उसको क्या होता है, उसको खुद भी नहीं पता होता कि बॉल कितना टर्न करेगा। अच्छा, क्योंकि उस समय उसकी थोड़ी बॉडी की अलाइनमेंट थोड़ी सी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो उसको डालने में भी दिक्कत होता है। सिमिलरली जब उसको ही नहीं पता रहता है कि कितना मैंने एक्यूरेट हूँ, तो बैट्समैन को भी पिक करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए ऑब्वियसली चाइना मैन को थोड़ा विकेट ज़्यादा मिलती है। अगर वो प्रैक्टिस करे, अगर एक्यूरेट हो जाए चाइना मैन, तो 100% वो बाकी ऑफ स्पिनर मैंने स्पिनर से ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। एक आलोक मेहता जी का क्वेश्चन है कि एज ए कोच आप एक फास्ट बॉलर में क्या देखोगे और एक बैट्समैन में क्या देखोगे? जी, मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दो। अगर मान लीजिए कि कोई फास्ट बॉलर है तो ऐसे कोच उसमें क्या गुणवत्ता आप देखेंगे, क्या विशेष गुण होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, बाद में आप उसको कैसे ठीक करेंगे? जी, और सिमिलरली एज ए बैट्समैन? जी देखिए, बैट्समैन है तो आलोक मेहता का ये क्वेश्चन। जी जी, आलोक मेहता जी, मैं आपको बताऊँ, अगर आप बैट्समैन है तो हम सबसे पहले देखते हैं उसके पास बॉल सेंस है कि नहीं। अगर उसके पास बॉल सेंस है तो हम फिर वो देखते हैं कि उसका फुटवर्क डिसाइसिव है कि नहीं। बैट्समैन तो हर आदमी करता है, फुटवर्क करता है, बट वो कितना जल्दी फ्रंट फुट का बॉल फ्रंट फुट पर खेल रहा है कि नहीं, बैक फुट का बॉल बैक फुट पर खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उसके पास टेम्परामेंट है कि नहीं, कि प्रेशर सिचुएशन में जाकर रन बनाएगा। ये तीन चीज़ हम बैट्समैन के लिए प्रीरिक्विजिट मानते हैं। दूसरी चीज़, जब हम फास्ट बॉलर को एक देखते हैं, एक नया हम कहीं बंच देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो तेज़ बॉल डाल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। सबसे पहला चीज़ हम यही देखते हैं तेज़ बॉलर में, वो बॉल तेज़ डाल पा रहा है कि नहीं। अगर वो बॉल तेज़ डाल पा रहा है तो उसको हम सब कुछ सिखा सकते हैं, स्विंग भी सिखा सकते हैं, कटर भी सिखा सकते हैं, फिर उसकी बॉडी को हम माइनर एडजस्टमेंट करा सकते हैं कि ताकि इंजुरी ना हो। बट फास्ट डालना उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और हम देखते हैं वही कि हाँ तेज़ डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। सर, इसी पे फास्ट बॉलिंग पे क्वेश्चन आ रहा है गौरव तिवारी का। गौरव तिवारी, अगर आप रिपीट करना, फास्ट बॉलर हूँ लेकिन पेस कम है तो मैं कैसे इंक्रीज करूँ? फास्ट बॉलर है जी लेकिन पेस कम, उसको कैसे वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो आप पावर ट्रेनिंग कीजिए, आपकी जो मसल फाइबर हैं वो हो सकता है ज़्यादा स्लो ट्विच मसल्स हों,
तो आपको अपनी ट्रेनिंग की पैटर्न बदलनी पड़ेगी, आपको थोड़ी पावर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पुराने गेंद से फुल टॉस बॉल नेट पे बांधे, एक अपना कुछ टारगेट बांधे और जितना भी हो सके एकदम पुरानी बॉल से लेकर के उसको डायरेक्ट टारगेट में फेंकें, उससे आपकी आर्म रोटेशन बढ़ेगी। तो बॉलिंग मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए ये दो चीज़ बहुत जरूरी है, एक तो पावर ट्रेनिंग होनी चाहिए और दूसरी आपकी आर्म की रोटेशन ठीक होनी चाहिए। वो चाइनामैन वाला एक क्वेश्चन रह गया था, उनकी उम्र, हाँ इसके बाद रनअप सर मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, रनअप अगर आपकी ठीक रहेगी तो आपकी जंप ठीक होगी, आपकी अलाइनमेंट ठीक होगी, तो आप स्पीड भी डाल सकते हैं। जब भी फास्ट बॉलिंग डाले दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रनअप और दूसरा लोडिंग। आप लोडिंग कहाँ कर रहे हैं? लोडिंग थोड़ा सा लोडिंग, हाँ लोडिंग होता है कि जब आप बॉल को लेकर के फाइनल डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं तो वो क्लोज होना चाहिए और आपका एल्बो दूर ना जाए और पीछे ना जाए, तो उससे क्या होता है कि फिर अलाइनमेंट और आपकी बॉडी पीछे हैंग हो जाती है, फिर पूरा आप अपना एफर्ट नहीं डाल सकते। पर सर हमने जैसे देखा बुमराह को देखा जी, उनका एक्शन अलग है बाकी बॉलर से, जी उनका रनअप भी इतना ज़्यादा नहीं है जी, पर फिर भी वो 145 से जी जी। देखिए कुछ नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, कुछ को भगवान अलग से कुछ बना के भेजा जाता है, उन चीज़ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो अकेला ही बुमराह है। वो बुमराह अकेला ही है और उसके पास जो चीज़ है वो आपके पास नहीं है, क्योंकि हर आदमी इस दुनिया में अलग है और हर आदमी का बॉडी का मैकेनिज्म अलग है। उसके एल्बो, उसकी फ्लेक्शन जो है यहाँ ज़्यादा है तो उसको बॉलिंग करते हैं, उसके आर्म से विप ज़्यादा निकलते हैं। जैसे मुरलीधरन एक ही, मुरलीधरन एक ही था। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं कोचिंग को तो हम एक इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल में क्या हम देख सकते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए तेज गेंदबाज है, अमूमन रनअप कितने कदम का होना चाहिए? देखिए रनअप का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि छोटा बड़ा होना चाहिए, वो अपना पूरा एक्सेलरेशन कर ले। अच्छा, जितना उसकी एक्चुअल स्पीड है वो बीच में एक्सेलरेट कर ले, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको स्लो होना है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन कर लेते हो तो एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करते हैं और मोमेंटम जनरेट को फिर आप जब बॉल डालते हैं तो बॉडी से ट्रांसफर, जैसे नीचे से आप भागते समय मोमेंटम जनरेट किए थ्रू योर कोर, आप अपना अपर बॉडी से ट्रांसफर कर दिए और वो पूरी बॉल में ट्रांसमिट हो जानी चाहिए, तो आप अच्छा स्पीड जनरेट कर सकते हैं। वो सेटिस्फाई हो गए कि उनको और कुछ? आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और वो इस चीज़ को समझेंगे अमल भी। आलोक मेहता जी, अगर आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई हैं तो जरूर, या और कुछ बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, अभी चाइनामैन वाले क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। सर, एक अलका वायस हैं, वो पूछ रहे हैं लेग स्पिन के लिए थोड़ी सी टिप दीजिए कि जी, स्पिन जी में क्या उनका एम होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए? व्हाट वाज इसमें अलका 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 जी जी अलका जी, सबसे पहले तो यू शुड हैव लॉट ऑफ फायर इन यू एज यू आर ए स्पिनर, यू डोंट हैव पेस टू यू नो बीट और टू जस्ट थ्रेटन द बैट्समैन। तो आपके पास बोलते हैं ना लेग स्पिन में, लेग स्पिन जादूगर मानते हैं हम लोग कि वो किसी विकेट पर टर्न कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा आप लेग स्पिन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी पोजिशन ठीक होनी चाहिए, थोड़ी जो आपकी लेफ्ट फ्रंट फुट लेग है थोड़ी सी अक्रॉस जाए और थोड़ी सी आपकी आर्म दूर आए, बॉलिंग आर्म दूर आए और आप थर्ड फिंगर से बॉल को लास्ट मोमेंट तक लास्ट में फ्लिक मारे जोर से, तो आपकी थर्ड फिंगर के सेकंड जॉइंट्स अगर आप बॉल में अच्छा से स्पिन मारें और नॉन बॉलिंग आर्म को लास्ट तक होल्ड करके रखें जब तक बॉल डिलीवर ना हो, तो आप एक अच्छा लेग स्पिन डाल सकते हैं। और लेग स्पिनर के पास काफ़ी सारे वेरिएशंस भी होते हैं, ये एडवांटेज होता है लेग स्पिनर का। तो वेरिएशंस अभी तो खैर ये बच्चे अभी नॉर्मली डालना सीखेंगे जी जी, वेरिएशंस तो जब एकेडमी में जाएंगे वहाँ उनको कोच उनको बताएंगे जी जी, वेरिएशंस अमूमन कब ट्राई करना चाहिए सर? देखिए जब आप अपनी जो आपकी स्टॉक बॉल है उस पर मास्टरी हो जाए उसके बाद ही वेरिएशंस के लिए जानी चाहिए। ये ध्यान से सुने युवा वर्ग के जितने भी प्लेयर हैं जो सीखना चाह रहे हैं, शुरुआत में बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बहुत सारा मैं बहुत इस चीज़ का एकदम रिजिड आदमी कि आपको शुरुआत में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो क्या होगा अगर आप एक बार गुगली सीख गए तो आप लेग स्पिन भूल जाएंगे। तो इसलिए स्टॉक बॉल जो है वो मास्टरी कर लीजिए और उसके बाद वेरिएशंस पे जाइए, क्योंकि अगर आप लेग स्पिनर खेलेंगे तो मेन आपका 100 में से 80 बॉल आप लेग स्पिन ही डालने वाले थे, तभी आप एक सक्सेसफुल बॉलर बन सकते हैं। लकी चौहान का क्वेश्चन है, सर प्लीज़ ये बता दीजिए कि बोट ट्रॉफी खेलने के लिए सबसे पहले क्या करें और क्या ट्रायल्स बोट ट्रॉफी को के डायरेक्ट भी होते हैं क्या? लकी चौहान पूछ रहे हैं कहाँ से हैं? लकी चौहान जी आप कहाँ से हैं? जो भी दर्शक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये यंगस्टर्स हमारे पूछ रहे हैं, और एज भी बताएं ताकि हम तब बता सकें कि किस एज ग्रुप में आएंगे। यस, और अपना क्राइटेरिया अपना एज ग्रुप जरूर डालें कि आप किस एज के हैं ताकि उस हिसाब से आपको आंसर मिल पाए। धर्मेंद्र आप एक बार से पूछो लकी चौहान कहाँ से हो आप, एज? लकी आप कहाँ से हैं प्लीज़ अपना एज बताएँ और अपना शहर का नाम बताएँ।
अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो भी क्वेश्चन आप सब पूछ रहे हैं अपना नाम के साथ साथ अपना एज और अपना अपने शहर का नाम जरूर जी। अगर आप कहाँ से खेले, कैसे खेले, अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपना नाम जरूर बताएं और आपके शहर बताएं और किस एज ग्रुप में आप आएंगे, तो ताकि उनका आंसर कर सकते हैं। हरविंदर सिंह जी जो बता रहे थे 15 साल के, वो दिल्ली से हैं। तो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में लीग खेला जाता है, लीग के बाद पिक किया जाता है, तो आप अंडर 16 क्राइटेरिया में आएंगे। आप अंडर 16 का जब भी ट्रायल होता है DDCA, आप DDCA रेगुलरली जाते रहे, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और फिर आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है, आप वहाँ जाएं। आप अगर खेलेंगे नहीं, आपको देखेगा नहीं, आपका परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कैसे पिक होंगे? आपका परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप नेट में अपना परफॉर्मेंस और जौहर दिखाएंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला नहीं है। जी आप अंडर 19 क्राइटेरिया में आएंगे तो आप यूपी की जब भी होते रहे, आप कानपुर में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, वहाँ जब भी जाएं उनसे कहीं से जानकारी लें या वहाँ नोटिस बोर्ड पढ़ते रहें, वहाँ पता चलता है। पहले तो खेलें आप अंडर 19 जो भी टूर्नामेंट्स होता है वहाँ खेलें, और लीग्स जो भी होता है उसमें खेलें, और जब भी उनके ट्रायल्स होते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए और वहाँ आप जाइए परफॉर्म कीजिए तो सेलेक्टर आपको देखेंगे। हर एक जोनल का अपने एक हेडक्वार्टर होता है जी, उस पे गूगल पे ये सारी सूचनाएँ होती हैं, आप वहाँ जाकर देखें कि उसका एड्रेस कहाँ है, कोई फ़ोन नंबर है, तो आप वहाँ पे जाकर ऐसी इन्फॉर्मेशन ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही है, ट्रायल में सेलेक्टर किस चीज़ पे ध्यान देते हैं बैट्समैन का, वो तो आपने सर ने बता दिया था। हाँ, ये तो शायद बता दिया। बैटिंग इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा नॉन अकेडमीज डेज के, मतलब ये कौन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन किसने पूछा है? आलोक मेहता ने। आलोक मेहता जी दोबारा। जी आलोक जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपको दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते करना चाहते हैं और आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। आप जैसे मुझे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो टेक्निकली तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ उसके मैं ड्रिल्स आपको सजेस्ट कर सकता हूं। आलोक, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा से पूछेंगे। आपको कहीं लग रहा है कि आपको कुछ इम्प्रूव करना है या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ये फॉल्ट है, तो आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ड्रिल्स कुछ दूंगा, वो आप नेट्स में ऑफ डेज में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है दीपक सिरवी का, सर मैं तमिलनाडु से हूँ, दिल्ली में रणजी खेलने के लिए क्या करना चाहिए, उम्र 19 साल। जी दिल्ली में खेलने के लिए आपको दिल्ली लीग खेलना पड़ेगा सबसे पहले, तो दिल्ली का एड्रेस भी होना जरूरी है उनका, तमिलनाडु से दिल्ली। ये स्टेट वाइज थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करें। देखिए स्टेट वाइज ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप दिल्ली से लीग खेल रहे हैं, आप किसी भी क्लब से रजिस्टर्ड हैं तो आप दिल्ली से खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अच्छा पहली चीज। हाँ, अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी क्लब से खेल सकते हैं। अगर आप दिल्ली के किसी भी क्लब से खेल रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ से खेलने के लिए। क्लब का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल किसी क्लब में आप बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं, वो चाहे दिल्ली हो या कहीं। बीसीसीआई का ये रूल आया था कि आप अपनी स्टेट से ही खेल सकते। हाँ, वही मैं बोलने वाला था, वहाँ दो प्लेयर्स का जो एक स्कोप था थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको भी थोड़ा क्लियर कर दे। वो तीन प्रोफेशनल खिलाते थे, उसके अलावा अगर वो ये प्रोफेशनल में नहीं आएंगे, प्रोफेशनल में वो आते हैं जो कहीं से ऑलरेडी खेले हुए हैं और उनको उस स्टेट से के जगह किसी और स्टेट में खेलने का मन कर रहा है, तो उन्हें एनओसी लेना पड़ता है। जो कहीं खेले ही नहीं है उसके लिए कुछ ऐसा रिजर्वेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं। जी मतलब किसी भी स्टेट में रणजी से खेला जा सकता है। जी जी, आप वहाँ जाएं, आपका वहाँ अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस होगा, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, एक साल से आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं वहाँ पे, या आपके फादर वहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है वहाँ पे, तो आप एलिजिबल हैं उस जगह से खेलने के लिए। सर एक क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार का, कि उनको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है बैटिंग करते हैं, मतलब टेम्परामेंट की जो हम बात करें। जी जी, थोड़ा मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ नीतीश जी के ही क्वेश्चन को ले लेते हैं। जी फोकस एक शब्द है जी, जो वो पूछ रहे हैं कि फोकस हम कैसे करें, उसके लिए कोई एक्सरसाइज होता है, उसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत होती है, क्या किया जाए? देखिए फोकस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, सबसे लीस्ट अंडरस्टूड वर्ड है। फोकस ऐसा चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टास्क एट हैंड। तो आप बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए, आपको एक बार में जब बैट्समैन एक ही गेंद खेलना होता है, आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस गेंद को देख करके रीड करने में लगा दें, और वो आपको लगाना है जैसे बॉलर अपने डिलीवरी स्ट्राइड में आता है से लेकर के जब तक आपके बैट में कांटेक्ट नहीं आता है, तब तक आपको बिल्कुल फेयर फोकस करना है। उसके बाद आप सराउंडिंग फोकस पे आ जाइए, फिर आपको स्विच अप और स्विच डाउन करने अगर आता है तो आपका फोकस हमेशा बरकरार रहेगा। स्विच अप और स्विच डाउन, स्विच अप और स्विच डाउन क्या होता है? स्विच अप हम बोलते हैं कि जब भी बॉलर जैसे रनअप पे आ गया तो आप स्विच अप कर देते हैं कि हाँ यस नाउ हम रेडी हो गए हैं, ओके, ओके, ओके। कि अब मुझे खेलना है बॉल को, और जैसे
क्योंकि आप फियर फोकस सिर्फ पूरे दिन में 20 मिनट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप, अब मेंटली ड्रेन हो जाएंगे, मेंटल फटीक हो जाएगा। तंदरुनी बात आप जी बिल्कुल 20 मिनट्स ही हो सकता है, कोई 21 कर जाए, कोई 9 कर जाए, बट उस फियर फोकस जो होता है ये बड़ा लिमिटेड समय के लिए हम कर सकते हैं। तो हम उसको चैनलाइज ऐसे करते हैं, तीन पार्ट में हम बांट देते हैं फोकस को, एक सराउंडिंग फोकस हो जाता है, एक नैरो फोकस हो जाता है, एक फियर फोकस हो जाता है। तो सब तीनों को एक एक बार बता दें। जी जी, जैसे आप ग्राउंड में हैं, आप बाहर आ रहे हैं, अब आपका मैच चालू होने, आप जा रहे हैं फील्डिंग करने जा रहे हैं, तो आपको पता चला कि आप बॉलर रनर अप मार किए, या बैट्समैन क्या करता है कि जैसे अब फील्ड सेट होता है तो एक बार सराउंडिंग फोकस अपना देख लेता है कि हाँ जी फील्ड चेंज हो रहा है, तो बॉलर एंटिसिपेट करने लगता है। दूसरी क्या होता है, जब बॉलर रनर पे स्टार्ट करता है तो अपना वो फोकस को नैरो कर लेता है कि मुझे पता है कि अब मुझे बॉल खेलना है थोड़ी देर में, और जैसे अब बॉलर जो है डिलीवरी स्टाइड में आ जाता है, वो मुझे पता है मैं बॉलर को बॉल को जज करना है, तो फियर फोकस में आ जाता है। जी आई थिंक आप सारे समझ गए होंगे जो जो भी सर ने टर्म्स बताए हैं फोकस के, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और अमल में लाएंगे। डू वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? सर कुछ नए लोग जुड़े हैं, वो दोबारा से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि जी सर्विसेज में खेलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार दोबारा एक बार सर दोबारा जी। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स में जॉब करता होना चाहिए, पहली चीज़। परमानेंट मेंबर आप होना चाहिए या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ है, अब इसमें भर्ती होने के लिए पूरे साल में रिक्रूटमेंट चलती रहती है, स्पोर्ट्स कोट, स्पोर्ट्स कोटे का वो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते रहिए, जब भी फॉर्म निकले आप भरिए, उसके ट्रायल्स होती है, ट्रायल के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और एक बार आप ट्रेनिंग में आ गए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सर्विस। एग्जाम नहीं देना, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना, सिर्फ आपका ट्रायल का टेस्ट होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। 10 साल के दरमियान में ये चीज़ काफ़ी अच्छी नहीं हो गई युवा वर्ग के लिए कि उनको पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल क्रिकेट तो आपको होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इससे क्या है कि गेम पे फोकस बना रहता है। बिल्कुल सर, एक सवाल ये है, आर्मी एयरफोर्स नेवी जी तीनों की अपनी अलग अलग टीमें भी हैं? जी बिल्कुल, अलग अलग टीम है, और ये तीनों का आपस में कॉम्पिटिशन होता है, फिर एक सर्विसेज की टीम, फिर सर्विसेज की टीम बनती है। बिल्कुल, तो इनके आपस में टूर्नामेंट्स भी चलते रहते, टूर्नामेंट होते हैं, हर टूर्नामेंट से पहले सिलेक्शन मैच में इंटर सर्विसेज होती है डेज की, फिर वनडे की होती है, फिर T20 की होती है। तो अगर कोई लड़का आर्मी में है तो वो पहले आर्मी की टीम में आएगा? जी बिल्कुल, तो उसके बाद इंटर सर्विसेज में। हाँ जी बिल्कुल, क्लियर हो गया होगा अब तक तो, क्लियर कर दिया। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये, इससे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इससे एक बात तो साफ है कि युवा वर्ग में आर्मी का जोश अभी भी बरकरार है, और देश की सेवा के साथ साथ अगर वो खेलते भी हैं दैट विल बी गुड फॉर देम। बिल्कुल होना ही चाहिए, आपको खुश होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, युवा वर्ग आगे आ रहा है आर्मी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो होड़ में सिर्फ IAS या इंजीनियर या डॉक्टर्स के पीछे लोग, देश का सेवा करने से बड़ा चीज़ जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर बहुत हम लोग बहुत जी क्लियर कर दीजिए लकी चौहान जी का जी कि सर मैं कोई एकेडमी नहीं जाता तो क्या मैं डायरेक्ट ट्रायल्स के लिए जा सकता हूँ किसी भी बोर्ड टूर्नामेंट से होते हैं, तो इनको क्लियर कर दो। नहीं नहीं, आपको कोई ना कोई टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस एसेस कैसे होगी? आप जब तक कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो आप ट्रायल के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो एकेडमी में एडमिशन बहुत जरूरी है? एकेडमी में एडमिशन होगा नहीं होना कोई बात नहीं है एकेडमी, लेकिन किसी ना किसी क्लब में एफिलिएशन होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो उस एसोसिएशन के बीच में। क्लब के लिए कैसे मतलब एलिजिबल हो सकते हैं कि अगर मुझे किसी एकेडमी में नहीं जा पाया, कोई भी रीजन रहा हो? जी जी, बट मैं क्लब कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ फिर आगे का रास्ता साफ हो? देखिए बहुत सारे क्लब हैं, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे क्लब हैं, उन क्लब के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास जाएं, आप उस जगह से खेलें। बहुत लोग होता है कि जैसे स्कूल जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है एकेडमी करने का, लेकिन वो क्लब से एसोसिएटेड हैं, तो क्लब में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। गाइस क्लब से रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एकेडमी नहीं जा पा रहे हैं तो क्लब से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रतियोगी मैच खेलने को मिलेंगे जी। और प्रतिभा का निखार कहते हैं कि जब पूरा बैकग्राउंड हो, पूरा माहौल हो, तो वहीं से निखर कर आती है, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि परफॉर्मेंस, देखिए बिना परफॉर्मेंस का कैसे आदमी को पता चलेगा आप टैलेंट हैं कि नहीं है? नेट में देख करके कोई सिलेक्शन के लिए नहीं बुलाएगा, आपको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे ट्रायल्स के लिए, फिर वहाँ आपको अच्छा करना पड़ेगा। आई थिंक ये ट्रायल का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू सो मच सर, और आपने कई लोगों के मन में जहन में ये प्रश्न था, बहुत टेक्निकल था लेकिन आपने बहुत सरलता से इसको सॉल्व किया। नया क्वेश्चन है मोहित सिंह का, सर वो ऑफ स्पिनर के लिए टिप्स पूछना चाह रहे हैं। जी, ऑफ स्पिन बॉलर बनना चाह रहे हैं, क्या टिप्स हों मोहित सिंह के लिए? जी ऑफ स्पिनर के लिए देखिए, सबसे पहला तो एक आपका रनअप थोड़ा डायगनल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट मत जाइए, डायगनल हल्का सा एंगल होना चाहिए। अच्छा, एंगल वाइज होना, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी डिलीवरी स्ट्राइड थोड़ी छोटी होनी चाहिए, बॉलिंग आपकी क्लोज टू द एयर होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, और नॉन बॉलिंग आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए जब तक बॉल रिलीज ना हो जाए,
और आप इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं उसके सेकंड जॉइंट से बॉल में फॉरवर्ड स्पिन रोटेट कीजिए तो आप अच्छा ऑफ स्पिन बॉल डाल सकते हैं। आई थिंक मोहित आपको पता चल गया होगा कि आपको अच्छी ऑफ ब्रेक डालने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। राइट, ऑफ ब्रेक बॉलर और एक लेग ब्रेक बॉलर, जब तक एक नया प्रश्न आ रहा है एक निकल से एक थोड़ा सा इशू देख लेते हैं जी। एक ऑफ ब्रेक बॉलर और एक लेग ब्रेक बॉलर में अगर आप पर्सनली एक प्रेफरेंस देना चाहें तो आपकी नज़र में कौन सा बॉलर होगा कि ये बहुत बेहतर है रेदर देन ऑफ हो या लेग ब्रेक हो? देखिए कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट अलग है और मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो अच्छा बॉल डाल रहा है चाहे वो ऑफ ब्रेक हो चाहे लेग ब्रेक हो मैं उसके साथ उसको खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ नाम हो लेग ब्रेक हो और बॉल जगह पर नहीं डाल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। ऑफ ब्रेक बॉलर है वो ज़्यादा स्ट्रैटेजी टीम का एक्सक्लूड कर पा रहा है तो हम उसको खिलाना पसंद करेंगे, राधर की एक लेग ब्रेक बॉलर हो जो लेग ब्रेक तो है लेकिन वो टीम का स्ट्रेटेजी नहीं एक्सक्लूड कर पा रहा है। फिलहाल इंडियन टीम में तो अभी दो लेग स्पिन बॉलर हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर तो वैसे केदार जाधव को पार्ट टाइम यूज करते हैं, प्रीफर किया जी जी बिल्कुल आपने सही कहा प्रीफर किया जाता है आउटगोइंग जो कि लेग ब्रेक बॉलर है वो बॉलर बाहर जाता है, लेकिन वो हम वो भी देखते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन क्या, अगर मान लीजिए चार लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं तो हम ऑफ स्पिनर को खिलाना चाहते हैं या चार पाँच राइट आर्म बैट्समैन हैं वो भी टॉप ऑर्डर के हैं कि मिडिल ऑर्डर के हैं या लोअर ऑर्डर के हैं उसके हिसाब से हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं अपने मानता हूँ कि जो कौन अच्छा कंसिस्टेंट एरिया में बॉल डाल रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर लेग ब्रेक बाहर डाला है तो जो बैट्समैन है उसको बाहर में ही प्रॉब्लम है, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको आउटगोइंग बहुत ईजी होता है और इनकमिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये तो बिल्कुल मैंने इंस्टेंटली स्ट्रैटेजी बनती है और वो देखते हैं कि उस उनके पास जो बैट्समैन है उनका वीकनेस क्या है, ज़्यादा इनकमिंग बॉल में मैंने ऑफ स्पिनर को दिक्कत होता है खेलने में या लेग ब्रेक को या लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलता है तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि डिसमिसल जो है इनका कितने बार ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट हुआ है या लेग ब्रेक अगेंस्ट हुआ है, तो हम उस हिसाब से अपने और हमारे पास जो अवेलेबल बॉलर हैं वो कौन अच्छा डाल रहा है ये भी सारी चीज़ होती है। अगर किसी ने अंडर